कौरवों और पांडवों में महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला है। दोनों ही पक्षों में बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। कौरव अधर्मी हैं, जबकि पांडव धर्म के पक्ष में हैं। अर्जुन पांडव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथी हैं स्वयं कृष्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझसे युद्ध की अभिलाषा में एकत्रित हुए इन कौरव योद्धाओं को मैं समीप देखना चाहता हूँ, अतः आप रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। अवश्य पार्थ, अवश्य। हे अर्जुन, मैंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य उपस्थित कर दिया है। अब तुम देख सकते हो कि पांडवों से युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित ये योद्धा तुम्हारे गुरु और परिवार के सदस्य जन हैं। देखो अर्जुन, देखो, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा श्री और भ्राता दुर्योधन इत्यादि युद्ध करने आए हैं, जिनका तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए वध करना होगा। हे केशव, युद्ध में मेरे परिवार के सदस्य जन को देखकर मेरा अंग समूह शिथिल हो रहे हैं, मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा गांडे वहां से छूट रहा है केशव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझसे मुझे सब अशुभ लग रहा है केशव, सब अशुभ लग रहा है। कितने दुख की बात है कि सिर्फ राष्ट्र के लिए हम स्वजन हत्या के इच्छुक हैं। इससे तो अच्छा होगा कि कौरव युद्ध में मेरा ही वध कर दें।